इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट। हिफाजत करना भी हम जानते हैं इंशाल्लाह, किसी को इस मुल्क की तरफ टेढ़ी आंख करके हम देखने नहीं देंगे इंशाल्लाह। हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम मेंबरों ने पार्लियामेंट को बुलाया था और ये कहा था कि आज मुसलमानों की हालत जार ये है और रिजर्वेशन के ताल्लुक से आवाज उठाना चाहिए थी, चाहिए। वो लोग इनकार करते रहे और हजरत फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में दस्तखती मुहिम चलाए और उस वक्त के सदर जमहूरिया KNRNL को मेमोरेंडम लेकर पेश किया। छोड़ दीजिए, उस इशू के ऊपर लंबी बात नहीं करूंगा। 2 अक्टूबर 2002, 14 अक्टूबर 2002 हिंदुस्तान की तारीख में वो दिन है कि मुल्क के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और मुल्क के वजीर दाखला लाल कृष्ण आडवाणी थे और जमीयत उलमा जेल भरो तहरीक दिल्ली के अंदर चला रही तहरीक का आखिरी दिन था। जमीयत उलमा की वर्किंग कमेटी मौलाना महमूद मदनी से अर्ज कर रही थी कि आप इसकी क़ियादत कीजिए और मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे थे मैं इसकी क़ियादत नहीं करूंगा। फिर वर्किंग कमेटी हजरत फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हजरत ने मौलाना महमूद मदनी साहब को बुलाया, उन्होंने कहा ये लोग रोज पार्लियामेंट के पास जाकर गिरफ्तारी देते हैं, अगर मुझे कायद बनाना है तो इतिहास भी बदलना है, क्या करेंगे? कहा वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर 50,000 लोगों को लेकर जाऊंगा। सारी वर्किंग कमेटी परेशान थी। प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठाकर देखिए, 14 अक्टूबर 2002 सारा रिकॉर्ड मिलेगा कि मदनी का मोर्चा वाजपेयी के घर पर। मेरे अजीज दोस्तों, वो सरकार चली गई जिससे कोई उम्मीद नहीं थी। मुल्क के वजीर आजम मनमोहन सिंह बने, मुझे याद है बनने के एक हफ्ता बाद हजरत फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह उनके घर गए थे और हजरत वजीर आजम हजरत को चाय पेश कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार अधिवेशन नागपुर 20 सत्र 2016 पे जो देखा जा रहा है, लगातार इसको मुस्लिम समुदाय के द्वारा अपनी एक मांग मांगी जा रही है। जिस तरीके से मद्देनजर हालात के मद्देनजर जो 3 तलाक की बात की जा रही है, ये मुसलमानों के हित के लिए जो मुस्लिम नेता अपने रोटी सीख रहे हैं लेकिन कहीं से भी उस पर असर नहीं हो रहा है। जमात उलमा हिंद के नेतृत्व में नागपुर पे महामोर्चा निकाला जा रहा है जिसको तादाद आप देख सकते हैं मेरे पीछे पे। नागपुर से ये मोर्चा निकाला जा रहा है इंदौरा स्क्वायर से, जिसका रूट होगा कड़वी चौक, गड्डी गोदाम और LIC पे जाके, जिस जहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं खुद आऊंगा। जमीयत उलमा हिंद के नेतृत्व में ये महामोर्चा, मराठा महामोर्चा को देखते हुए नागपुर में मुस्लिम आरक्षण की बात की जा रही है और जिस तरीके से मेरे पीछे आप देख रहे हैं मुस्लिम आरक्षण के मोर्चे के लिए जमीयत उलमा हिंद मोहम्मद सैयद महमूद मदनी के नेतृत्व में मोर्चे निकाले जा रहे हैं और मुस्लिम जिस तरीके से महाराष्ट्र स्तर पर पूरी अपनी एक तादाद दिखाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा वर्तमान सरकार के वाक्य पे मुस्लिम आरक्षण को पास करती है। मुस्लिम आरक्षण जिस तरीके से हर असेंबली नागपुर में आवाज उठाई जाती है, क्या ये बिल पास होगा? मुस्लिम आरक्षण का मुसलमानों को 5% आरक्षण मिल दिया जाएगा, देखना ये होगा। आज का ये जो मोर्चा, जो इतना भारी मोर्चा निकाला गया है, इसमें हमारी दो मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि जो मुसलमानों का रिजर्वेशन जो 5% जो दिया गया था और इस हुकूमत ने उसको कैंसिल कर दिया, या अपने फैसले को वापस लें और मुसलमानों को रिजर्वेशन दें ताकि मुसलमान कौम जो है तालीम और दीगर मामले में दूसरी कौमों के साथ चल सके। तो हमारा पहला मुद्दा रिजर्वेशन का है और दूसरा मसला है तहफ्फुज़ शरीयत कि आज हुकूमत जो है यकसा सिविल कोड नाफिज करके जो है वो मुस्लिम पर्सनल्ला को जो वो मुस्लिम पर्सनल्ला के जो अपने हिंदुस्तान के कानून में जिसको आर्टिकल 25 के तहत कि हर मज़हब को आज़ादी है और अपने मज़हब पर अमल करने का हक है, ये हुकूमत जो एक्सा सिविल कोड नाफिज करके ना सिर्फ ये कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रही है बल्कि जो संविधान है जो कानून बना उसके भी ख़िलाफ़ कर रही है। तो हम चाहते हैं कि दोनों चीज़ों पर हुकूमत तवज्जो दे, मुसलमानों को रिजर्वेशन दे और साथ ही साथ हमारी तहफ़्फ़ुज़ की शरीयत की क्या जो है गारंटी दे कि नहीं मुसलमान जो है अपनी शरीयत पर मुकम्मल अमल कर सकते हैं। ये दो बातें जो हम हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं।